ओके जी, आज हम डिस्कस करते हैं कि ये जो फाइनेंशियल असिस्टेंस है जिसको बर्जरी बोलते हैं, इट्स जस्ट लाइक अ स्कॉलरशिप, इट इज़ जस्ट लाइक अ फाइनेंशियल ग्रांट। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जो समटाइम्स फाइनेंशियली इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते कि वो ये अचीव कर सकें जो ऑनरी डिग्री है उनकी, और एज अ रिज़ल्ट वो डिप्राइव रह जाते हैं। तो इसमें जो ऑक्सफोर्ड ब्रुक्स यूनिवर्सिटी है वो कुछ इनिशिएटिव आपके लिए लेता है और कहता है कि अगर आप अंडर डेवलप कंट्री से हैं और फाइनेंशियली आप वीक हैं तो हम आपकी हेल्प कर सकते हैं इन दिस रिकॉर्ड। तो उस हेल्प का कुछ क्राइटेरिया है, कुछ एलिजिबिलिटी है। जब ये एलिजिबिलिटी और क्राइटेरिया हम अप्लाई करते हैं तो एज़ अ रिज़ल्ट काफ़ी जो स्टूडेंट्स हैं वो फिर इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, और कुछ स्टूडेंट्स जो कि वाकई डिज़र्व करते हैं ये लेना बिकॉज ऑफ देयर स्ट्रॉन्ग एकेडमिक परफॉर्मेंस, तो उनको ये मिल जाती है। डिस्कस करते हैं वो क्राइटेरिया या एलिजिबिलिटी, जो भी उनके सर्कमस्टांसेस हैं वो क्या हैं। एक तो ये है कि आप एलिजिबल होते हैं इस बर्जरी के लिए, इस ग्रांट के लिए, अगर आपने ACCA के सारे पेपर जो F1 से लेके F9 तक हैं वो फर्स्ट टाइम में पास किए हों। देर शुड बी नो री अटैम्प्ट, इसका मतलब ये है। और जो F1 से F9 तक पेपर हैं उसमें एवरेज स्कोर आपकी 65% से ज़्यादा होनी चाहिए। और तीसरी जो क्राइटेरिया है वो ये है कि अभी तक आपने ACCA कंप्लीट ना किया हो, यानी कि आप ACCA एफिलिएट ना हुए हों, तो उस सूरत में यू आर एलिजिबल। तो ये तीनों चीज़ों का मीट करना बड़ा ज़रूरी है। फर्स्ट टाइम सारे पेपर फर्स्ट अटैम्प्ट में निकलने चाहिए, 65% आपका ओवरऑल ग्रेड होना चाहिए, एवरेज पेपर्स की F1 से लेके F9 कम्बाइंड, और अभी तक आपका ACCA कंप्लीट नहीं होना चाहिए, ठीक है, देन यू आर एलिजिबल। ओके जी, उसके बाद हम देखते हैं कि ये जो बर्जरी है, फाइनेंशियल असिस्टेंस है, इसमें क्या क्या चीज़ें वो कवर करते हैं, ये एड जो प्रोवाइड करते हैं। एक तो सिर्फ ये आपको कैटेगोरिकली दिया जाता है ओनली फॉर द फर्स्ट अटैम्प्ट, ठीक है। रैप की जो सबमिशन फ़ी है वो आपकी फ्री हो जाती है सिर्फ जब आप फर्स्ट टाइम सबमिट करवाते हैं, वंस यू गॉट एलिजिबल फॉर इट। लेकिन इसमें मेंटोरशिप फ़ी कवर नहीं होती, डिफरेंट मेंटोर डिफरेंट जो हैं वो चार्ज कर रहे होते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, मेंटोरशिप फ़ी वो कवर नहीं करते। जस्ट इन अ केस अगर आपने एक दफ़ा फेल कर दिया है, और उस टाइम आपको ये बर्जरी दी गई थी, सेकेंड अटैम्प्ट के लिए जब आप रीसबमिट करेंगे तो आप इंटाइटल्ड नहीं होंगे दोबारा रिसीव करने के लिए। और इसी तरह अगर आपने फर्स्ट टाइम बर्जरी अप्लाई नहीं की, आपने डेट स्किप कर दी है और आपका रैप भी फेल हो गया है, सेकेंड टाइम आप जब बर्जरी के लिए अप्लाई करते हैं, ऑल दो अगर आप क्राइटेरिया मीट भी कर लेते हैं, लेकिन अब चूँकि सेकेंड टाइम आप सबमिट करवा रहे होंगे योर रैप प्रोजेक्ट, तो आप इंटाइटल्ड नहीं होंगे, आपको बर्जरी नहीं मिलेगी, ठीक है, मेंटोरशिप फ़ी इसमें नहीं आती। उसके बाद आपने अप्लाई क्या करना है, ये इंपॉर्टेंट डेडलाइंस हैं। आपको पता है OBU का जो सबमिशन पीरियड है वो एक तो मई में आता है और एक नवंबर में आता है, और जो नवंबर अटैम्प्ट के लिए अगर आपने बर्जरी क्लेम करनी है तो 1 जुलाई को आप अप्लाई कर रहे होंगे, और मई सबमिशन के लिए आप अप्लाई कर रहे होंगे ऑन 1 जनवरी को, ठीक है। हाउ टू अप्लाई, आपने बेसिकली अप्लाई ऐसे करना है कि आपने एक वर्ड डॉक्यूमेंट जिसके ऊपर 1500 वर्ड्स की स्टेटमेंट लिखी होनी चाहिए, और आप बताएंगे कि ये जो डिग्री है ये क्या कंट्रीब्यूट करेगी आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ के अंदर। फिर 2 लेटर्स ऑफ रिकमेंडेशन होने चाहिए प्रोफेशनल से, प्रोफेशनल से मुराद आपके टीचर हो गए, आपके कुलीग हो गए, या वट एवर वो रिकमेंड कर रहे हों। ACCA का ट्रांसक्रिप्ट अटैच होना है, और पासपोर्ट की या ID कार्ड की स्कैंड कॉपी आपने इसके साथ अटैच करनी है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द बर्जरी, फाइनेंशियल एड असिस्टेंस आर अ ग्रांट दैट इज सपोज्ड टू प्रोवाइडेड बाय द ऑक्सफोर्ड ब्रुक्स यूनिवर्सिटी फॉर देयर BSc इन अप्लाइड अकाउंटिंग प्रोजेक्ट, एंड देर आर सर्टेन क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी, एंड देर इज सर्टेन रिक्वायरमेंट्स जो आपने फुलफिल करनी है। इफ़ यू वॉन्ट टू लर्न समथिंग एल्स एज वेल, यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर, यू कैन ईमेल मी, और यू कैन जस्ट कैच मी ऑन LinkedIn। थैंक यू।